अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यूएई के बाद अब कतर ने कुवैत के साथ भी वो सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसके तहत दोनों कंट्री यानी कि कुवैत और कतर के अंदर ट्रैफिक वायलेशन को एक्सचेंज किया जाएगा। यानी अगर किसी कतरी गाड़ी से कुवैत के अंदर वायलेशन हो जाता है तो ये कतर के सिस्टम में भी शो करेगा और फाइन भी पे किया जा सकता है। इसी तरह अगर कुवैत की गाड़ी कतर के अंदर ट्रैफिक वायलेशन करती है तो ये वायलेशन कुवैत और कतर दोनों में देखा जाएगा और वहां से फाइन भी पे किया जा सकता है। अगला जो अपडेट है वो है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि 19 तरह का सामान जो कि कॉस्मेटिक के कैटेगरी में आता है, इन सामानों को अब फार्मेसी के अलावा दूसरी दुकानों में भी बेचने का ऐलान होगा। वो कौन कौन से सामान हैं आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले ये सामान सिर्फ फार्मेसी में बेचने के अलाव था, लेकिन अब ये सामान आम दुकान में भी मिलेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कंपनी वालों के लिए। अगर आपकी कंपनी ने भी टैक्स रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया है तो इसके टाइम खत्म होने के बाद हर दिन 500 रियाल गरमा देना होगा। इस अपडेट का रेफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कल यानी कि 14 जून 2023 का अपडेट है। अल रैयान बलदिया ने अल वजबा वाटर फैक्ट्री को 15 दिनों तक बंद रखने के लिए नोटिस दिया है वायलेशन करने की वजह से। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कुछ दूसरी कंपनियों को भी वायलेशन करने की वजह से उसको बंद करने का नोटिस दिया है। इससे पहले हम सुनते थे कि बलदिया वाले सिर्फ फूड कंपनियों को बंद करते हैं, लेकिन अब दूसरी कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है वायलेशन करने पर। ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो कि लाइसेंस से हट करके एक्टिविटी करती है, यानी लाइसेंस में जो आपको परमिशन मिला हुआ है, अगर उसके खिलाफ कुछ आप एक्टिविटी करते हैं तो ये वायलेशन माना जाएगा और बलदिया वाले की तरफ से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि गाड़ियों के अंदर आग लगने जैसे वाकयात से बचना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम गाड़ी के अंदर ऐसी चीजों को न रखें जो कि जलने वाला हो, जिससे आग लगने का खतरा हो। इसी तरह MOI कतर की तरफ से ट्विटर के जरिए कहा गया है कि वो जगह जो माजूर लोगों के लिए खास होता है, ऐसी जगहों पर गाड़ी पार्किंग करना ट्रैफिक वायलेशन है, इससे फाइन आ सकता है। दोस्तों, यहां पर आप एक वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुलडोजर पानी में डूब रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग नाराजगी दिखा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये बुलडोजर पानी में कैसे आया, इसकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समंदर में या ये कि उसके किनारे इस तरह का सामान रखना मना है, इससे फाइन आता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।